नमस्कार, माटोलिया एसोसिएट्स के जीएसटी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर, जिसका बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है। क्या कमीशन एजेंट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है? आइए इसके बारे में जानते हैं। सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में बताया गया है कि कोई पर्सन किसी दूसरे टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ में गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है तो उसको एजेंट कहा गया है, और इस एजेंट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इस एजेंट को थ्रेशहोल्ड लिमिट में किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। इसका टर्नओवर चाहे एक रुपया भी क्यों न हो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। अब हम जानते हैं एजेंट की डेफिनेशन। सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में एजेंट की डेफिनेशन बताई गई है। एजेंट का मतलब फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, आढ़तिया, ऑक्शनर, मर्केंटाइल एजेंट इत्यादि, जो किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई, रिसीव और फर्दर सप्लाई करते हैं, उनको एजेंट कहा गया है। अब हम देखते हैं इंटरमीडिएटरी की डेफिनेशन क्या बताई गई है। इंटरमीडिएटरी की डेफिनेशन आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में बताई गई है कि इंटरमीडिएटरी पर्सन वो पर्सन होता है जो किन्हीं दो पर्सन के बीच में सप्लाई को अरेंज या फैसिलिएट करवाता है तथा अपने खुद के नाम में सप्लाई को रिसीव नहीं करता है, उसको इंटरमीडिएटरी कहा गया है। अब हम देखते हैं कि किन को रजिस्ट्रेशन करवाना है और किन को जीएसटी में थ्रेशहोल्ड लिमिट की छूट दी गई है। कंसाइनमेंट एजेंट, जो किसी दूसरे टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई खुद रिसीव करते हैं तथा फर्दर सप्लाई करते हैं, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उनको थ्रेशहोल्ड लिमिट में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। इंटरमीडिएटरी तथा प्योर एजेंट, इंटरमीडिएटरी तथा प्योर एजेंट वो पर्सन होते हैं जो किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ में सप्लाई को अरेंज या फैसिलिएट करवाते हैं, अपने खुद के नाम में सप्लाई को रिसीव नहीं करते हैं, उनको जीएसटी में थ्रेशहोल्ड लिमिट की छूट दी गई है। अगर उनका कमीशन 20 लाख रुपया या 10 लाख रुपये से अधिक होता है तभी उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि किन कमीशन एजेंट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है तथा किन को नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियोज़ को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।